गाजियाबाद के लोनी इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर में रखे सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट होने से दो मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। इस हादसे में एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में कुछ काम चल रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया और मकान के ध्वस्त होने से महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी अधिकारी कई घंटे की देरी से पहुंचे। फिर तेल फिर डीजल की कट्टी रखी हुई थी यहाँ पर, उसने आग पकड़ ली। उसके कारण फिर सिलेंडर ने आग पकड़ ली है। इतने उनकी मिसेज जो देखने के लिए नीचे आई घर के, तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाओ बच्चों को लेकर, तो मैं खुद कंट्रोल कर लूँगा, सर्किट है कोई नहीं। तो जब वो बोली कि मेरे से बच्चे नहीं जाने, वो किसी हाल से थी, तो वो लेकर जब बच्चों के साथ ऊपर पहुँचे, ऊपर सब बच्चों को लेकर पहुँचे, इतनी देर में पूरी इमारत नीचे गिर गई। इसका मेन कारण हमने 100 नंबर पर भी कॉल करी, वाइब्रेटर मतलब सब अधिकारियों के पास कॉल करी, किसी ने कोई कॉल नहीं उठाई। यहाँ 3 घंटे लेट प्रशासन पहुँचा। 12:30 बजे तकरीबन आग लगी है। 12:30 बजे आग लगने के बाद फोन कर लिया, सबको फोन कर लिया, कोई ना तो पानी की गाड़ी यहाँ पर आई है। और 3 बजे के लगभग, 3:45 बजे लगभग ये पुलिस वाले और ये लोग आए, समझे। और फिर उसके बाद जब बच्चों को उन्होंने फेंका है, वो लेडीज ने इस तरीके से लेने के भागे हम लोग हॉस्पिटल में। कहाँ से बच्चे फेंके गए? ये बच्चे यहाँ से दो मंजिले से फेंके गए यहाँ बचाने के लिए। हाँ, बच्चा उस औरत ने बेचारी ने माले फेंके, किसी और ने नहीं, माले ही फेंके हैं ये बच्चे, समझे। उसे उठा के हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। चौकी वालों को कोई, चौकी वाले भी क्या, 100 नंबर पे क्या, 101 नंबर पे क्या, हर किसी को फोन किया, किसी ने कोई नहीं दिखाई दिया। चौकी वाला 3 घंटे में पुलिस आई है। 3 घंटे में फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।